रामेश्वरम नामक एक गांव में बालू नामक एक लड़का रहता था। बालू बचपन से ही अनाथ था। वह मंदिर में रहता था क्योंकि उसको कोई घर नहीं था। लोगों की मदद करके वह बदले में उनसे खाना पीना मांगता था। अब क्योंकि बालू का अपना परिवार नहीं था, वह गांव के हर किसी को अपना ही मानता था, परंतु गांव में कोई भी उसकी परवाह नहीं करता। बालू को बहुत बुरा लगता था। कभी कभी उसको बहुत सारा काम करने के बाद भी ठीक से खाना नहीं मिलता। बालू हमेशा बड़े बड़े सपने देखा करता था। मंदिर में बैठे बैठे बालू सोच रहा था कि वह अपने सपनों को पूरा कैसा करेगा, जब उसने मंदिर के पंडित को बचा हुआ दान चोरी छुपे चुराते हुए देखा और घर की ओर निकलने लगा। पंडित ने बालू से कहा, हे बालू, आज का प्रसाद भी खत्म हो गया है। तुम इसी का इंतजार कर रहे थे ना? पर नहीं है, तो पानी पी लो और सो जाओ। और हाँ, मंदिर पे नजर रखना। पंडित जी, क्या आपकी कोई इच्छाएं हैं? ऐसा क्यों पूछ रहे हो? तुम मेरी इच्छा पूरी करोगे क्या? जब आपकी कोई इच्छाएं हैं, तो आप किसको पूछते हो? देवी माँ के अलावा और कौन है? तो जो मांगे वो पूरा कर देती है क्या? जब तक देवी माँ सामने प्रकट नहीं हो जाती, तब तक तुम दिल से प्रार्थना करते रहना, फिर वो तुम्हारी इच्छाएं पूरी करेगी। चलो, मुझे अब देर हो रही है, मुझे जाना है। ऐसा कहकर पंडित चला गया। बालू खड़ा हुआ और देवी माँ की मूर्ति के पास गया। अपना पूरा ध्यान लगाकर बालू अपने मन में देवी माँ का जाप करना शुरू किया। इसी तरह हफ्ते बीत गए और बालू प्रार्थना करता ही गया। एक रात बालू जब प्रार्थना कर रहा था, तब बालू, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हुई हूँ, बोलो क्या चाहिए तुम्हें? काफी देर तक सोचने के बाद बालू ने कहा, देवी माँ, मुझे ये वरदान दो कि मैं जो भी छू वो सोने में बदल जाए। अच्छा, अवश्य। बालू को ये वरदान मिलते ही उसने मंदिर को छुआ और पूरा मंदिर सोने में बदल गया। यह देखकर बालू खुशी से झूम उठा और सुबह सवेरे गांव की ओर चला गया। बालू गांव के बीचों बीच एक बरगद के पेड़ के पास गया और सबको बुलाया। मेरे भाइयों, बहनों, बड़े और बुजुर्ग, सब आ जाओ इधर, देखो जादू। क्या हुआ बच्चे, इतनी सुबह सुबह क्यों चिल्ला रहे हो? अपनी आंखें खोलो और देखो। ऐसा कहकर बालू ने पेड़ को छुआ तो पूरा पेड़ सोने में बदल गया। सब लोग चमकीले सुनहरे पेड़ को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। ये मेरी जादुई शक्ति है जिससे मैं जो भी अपने हाथों से छू वो सोने में बदल जाता है। ये सुनकर सब लोग और भी हैरान रह गए। सबको अब बालू पसंद आने लगा और उससे अच्छा बर्ताव करने लगे। बालू बहुत खुश हो गया और इधर से उधर दौड़ने लगा कुछ और बच्चों के साथ। बालू घर से घर जाने लगा सब कुछ छूते हुए। एक एक करके सारे घर सोने में बदलने लगे और जल्द पूरा शहर एक सुनहरा शहर बन गया। सब लोग बालू की प्रशंसा करने लगे। सब लोगों ने उसको मजेदार भोजन भी दिया। बालू भी ये सब देखकर उत्सुक हो गया। टोकरी से जब उसने सेब को उठाया तो सेब भी सोने में बदल गया और बालू उसको खा नहीं पाया। ये देखकर बालू दंग रह गया। उसने सोचा कि अगर ऐसा ही रहा तो उसको भूखा मरना पड़ेगा। फिर उसको पानी पीना था, पर पानी के मटके को छूते ही पानी और मटका दोनों सोने में बदल गए। बालू को समझ नहीं आया कि अब वह क्या करे। उसकी शक्ति उसको भूखा और प्यासा रख रही थी। बालू जल्दी एक नदी के पास गया और पानी लेने नदी में हाथ डालते ही पूरी की पूरी नदी सख्त सोने में बदल गई। जल्द गांव के सभी लोगों ने देखा कि कहीं भी पानी ही नहीं है और सब कुछ सोने में बदल गया, तो वो परेशान होकर बालू के पास दौड़ते हुए आए।
तुमने ये क्या किया बालू? तुमने सारे पानी को सोने में बदल डाला। अब हमारे पास पीने के लिए कुछ नहीं है, हम कैसे जीवित रहेंगे? तुमने सारे गांव को नष्ट कर दिया। गांव के सारे लोग बालू को ताने मारने लगे। वही लोग जो बस कुछ देर पहले उसकी प्रशंसा कर रहे थे, अब एक क्षण में उसके दुश्मन बन गए। उसको अकेला छोड़कर चले गए। ये सब सहकर बालू कूट कूट के रोने लगा। बालू को इतना दुखी और परेशान देखकर देवी माँ फिर से उसके सामने प्रकट हुई। क्या अब तुमने देख लिया कि तुम्हारी इच्छा का परिणाम क्या हुआ? तुमने कुछ सीखा या नहीं? देवी माँ, मैं बचपन से अकेला हूँ, तो मैंने इस गांव को ही अपना माना था। मुझे लगा अगर मेरे पास ऐसी कोई शक्ति होगी तो सब लोग मुझे पसंद करेंगे और मेरे साथ रहना चाहेंगे। मेरा और कोई इरादा नहीं था। ठीक है बालू, मैं इस वरदान को वापस ले लूंगी और सब कुछ पहले जैसा कर दूंगी। ऐसा कहकर देवी माँ ने सब कुछ ठीक कर दिया और बालू को आशीर्वाद दिया कि वह हमेशा स्वस्थ रहे और गांव के सभी लोग उसको प्यार करें और उसका अच्छे से ख्याल रखें। इस कहानी से हम ये सीखते हैं कि जो भी अपनी बुद्धि का उपयोग नहीं करेगा वो कभी कुछ नहीं पा सकता, पर जो सोच समझ कर काम करता है वो दुनिया की किसी भी बाधा को आसानी से पार कर सकता है।